आज का टॉपिक है कि मतलब बकरी हमारी ग्याबन होने के बाद या ग्याबन है ये डिस्चार्ज क्यों डाल रही है। सोचते हैं कि ये दोबारा हीट पर तो नहीं आ गई, या मतलब कोई सिंटम दे रही है, या खाली है बकरी हम करवा नहीं रहे हैं क्रॉस, कहीं ऐसा तो नहीं। तो ऐसा नहीं है, देखिए बकरी जो है डिस्चार्ज 3 टाइम पर डालती है, और 3 टाइम डिस्चार्ज का टाइम वो होता है जब वो खाली बकरी होती है और वो क्रॉस होना चाहती है, इसलिए जब वो डिस्चार्ज डालती है। लेकिन वो डिस्चार्ज का कलर और कितना गाढ़ा है, कितना थिकनेस है उसमें, वो अलग होता है। वो पतला होता है जब वो हीट में आती है, और जब जब वो क्रॉस हो जाती है, पहले टाइम तो ये डाल दिया उसने क्रॉस होने के लिए, जब वो क्रॉस हो जाएगी उससे 5 से 7 दिन के बाद में वो दोबारा डिस्चार्ज डालेगी। लेकिन अब का जो डिस्चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। अब वो डिस्चार्ज डालेगी हर महीने के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें महीने में। बकरी इतनी जल्दी जल्दी, इसका सब टॉपिक आज डिस्चार्ज से रिलेटेड है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्लिक कर लें बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारी बकरी क्रॉस होने से पहले एक डिस्चार्ज डालती है। डिस्चार्ज 3 से 4 तरह के डालती है और 3-4 टाइम डालती है। पहला टाइम जो ये होता है और तरीका ये होता है, जब बकरी हीट पर आती है तो क्रॉस होने के लिए उसका हीट के लक्षण के वक्त जो डिस्चार्ज निकलता है वो डिस्चार्ज बिल्कुल अलग होता है। वो सब में अलग होता है, बाकी के डिस्चार्ज से अलग होता है, क्योंकि पहला जो डिस्चार्ज जो होता है हीट का, सिंटम का, वो डिस्चार्ज बिल्कुल पतला पानी की तरह और हीट के लक्षण में आता है, और वो क्रॉस होने के लिए निकलता है डिस्चार्ज के सिम्टम। ठीक है, ये सबको मालूम है। और ये डिस्चार्ज हीट का जो होता है ये 16 से 22 दिन के बीच में कभी भी निकल सकता है, अगर बकरी खाली है या हीट में है, क्रॉस होना चाहती है तो जब निकलता है उससे पहले नहीं निकल सकता किसी भी तरह। ठीक है, तो एक सिम्टम ये हो गया। दूसरा सिम्टम, बकरी को आप क्रॉस करवा देंगे तो उसके 5 दिन के बाद निकलता है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। कम्प्लीटली कम्प्लीटली वीडियो नॉलेजेबल उसमें बता दिया गया है कि क्यों निकलता है 5 दिन के बाद और निकलता है क्या सिम्टम है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बताते हुए चलें। 5 दिन के बाद जो डिस्चार्ज निकलता है वो सिम्टम ये होता है कि बकरी आपकी ग्याबन है। एक इसका थिकनेस थोड़ा गाढ़ा होता है, और ये ऐसे फॉर्म में होती है कि ये ना टपकने का होता है ना बहने का होता है, एक जगह रहता है, एक जगह रहता है लटका हुआ। ठीक है, और एक ही टाइम निकलेगा ये, यानी कि ये भी बार बार निकले हीट का सिम्टम जो होता है उसकी तरह नहीं निकलेगा, ये निकलेगा बिल्कुल एक बार, वो पेशाब में या किसी भी तरह खत्म हो जाएगा, फिर नहीं निकलेगा। ये सिम्टम होता है कि आपकी बकरी ग्याबन हो चुकी है। सेकंड, थर्ड जो होता है वो बकरी जब आपकी ग्याबन हो चुकी होती है, 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने, इन 4 महीनों के अंदर अंदर वो डेली भी डाल सकती है डिस्चार्ज। और डेली डालने का, या मान लीजिए 3 महीने की, या मान लीजिए 4 महीने की, चलिए 2 की मान लेते हैं, तो बकरी जो डिस्चार्ज डालती है ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपकी बकरी हीट पे तो नहीं है, ये गाढ़ा डिस्चार्ज डालती है, इसका मतलब ये तो नहीं अब आकर के ग्याबन हुई हो जब करवाई थी, तो अब आकर के ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरली ये डिस्चार्ज डालती रहती है, दूसरे महीने में भी, जब आ जाती है तीसरे महीने में भी। तो कुछ डिस्चार्ज डालने का सिम्टम ये होता है कि हफ्ते में एक बार डालना, 15 दिन में एक बार, और एक महीने में एक बार डालना, और कुछ होता है डेली बेस पे डालना। तो डेली जो डालती हैं वो 5वें महीने में जाकर के डालती हैं डेली डिस्चार्ज, क्योंकि दिन नज़दीक होते हैं, तो 4थे 3रे महीने, 2रे महीने में कभी कभी डालने का होता है, तो ये नेचुरल है, इसे इग्नोर करें। हाँ, अगर वो डिस्चार्ज की फॉर्म अलग है, हीट वाले लक्षण है, पूंछ हिलाना डिस्चार्ज के साथ, पेशाब करना, चीखना, रेडनेस आना पीछे वजाइना साइड, तो ये हीट के सिम्टम है, ये अलग है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपकी बकरी है ये हीट के सिम्टम, आप बता सकते हैं हमसे बेहतर क्या है। 5वें महीने में जब बकरी आ जाती है तो डिस्चार्ज जो डालती है वो बियाने के लक्षण होते हैं। ठीक है, और ये नेचुरली प्रोसेस होता है, ह्यूमंस का थोड़ा मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसे छोड़ते हुए बस इतना बताना चाहूँगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जब आपकी बकरी 5वें महीने पे आ जाती है तो वो पुट्ठे तोड़ देती है, जब पुट्ठे वो उसके कम्प्लीटली 4 टूट चुके होते हैं ना, 5वां जब टूटने पर होता है ना, तो बियाने का सिम्टम होता है। बियाने से, या कह लो बियाने वाले दिन उसका डिस्चार्ज होगा। अब आपकी बकरी रोज डेली डिस्चार्ज डाल दिया, आप कहोगे कि डिस्चार्ज तो डेली डालती है, आप पता ही नहीं चलेगा ना कि आज भी आएगी, तो जिस दिन वो भी आएगी वो पुट्ठा 5वां भी तोड़ देगी, उस दिन का डिस्चार्ज का कलर अलग होगा, पतला होगा, पानी की तरह होगा, यूँ समझ लो जैसे थैली फूट जाती है। ठीक है, वाटर बैग जो होता है जिसमें बच्चा हो, बेबी किड्स होते हैं उसके अंदर, वो थैली फूट जाती है उस टाइप, इतना नहीं निकलेगा, बहुत कम निकलेगा, लेकिन पतला होगा, हीट वाला जो होता है वैसा निकलेगा। तो ये लक्षण होते हैं, और
आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, बकरी आपकी भी आ जाएगी। बाकी तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, 3-4 वीडियो के लिंक हैं, कब भी आती है और कैसे भी आती है, क्या सावधानियां, किस तरीके से, सब डिटेल्स है कि कितने दिन में क्या क्या खिलाना है, कितने दिन तक बकरी को क्या देना है, बकरी ब्याह गई, ब्याहने वाली है, ब्याहने से पहले क्या तैयारी, सब है वीडियो लिंक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपकी समस्या थी यही, तो वीडियो को लाइक कर दें, शायद अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है डिस्चार्ज डालना। समझना पड़ेगा, हीट वाला तो नहीं है, अगर हीट के लक्षण से बाहर आ चुकी है तो ये नेचुरल है, तो नेचुरल को इग्नोर करना है। कैल्शियम बराबर रखना है आपको, क्यों कैल्शियम बराबर रखेंगे तो बकरी में कोई कमजोरी वीकनेस नहीं आएगी, बच्चा हेल्दी फीड में होता है। नेचुरल हीट में लाने के लिए भी बकरी के मिनरल्स पूरे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर, क्लिक करें बेल आइकन। थैंक यू।